ये कैसा जम गया है, ये देखो, ये कीचड़ है जो जम गया है, बहुत हार्ड हो गया है बर्फ से। ये देखो आवाज आ रहा है बर्फ, नीचे देख सकते हो आप। ओ मैन, ये पूरी झील फ्रोजन हो गई है। ओ नहीं 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 नहीं, बहुत आराम से चलना है, बहुत आराम से, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। तो इसलिए तो बोलते हैं आप चल रहे हैं वर्ल्ड के सबसे दुर्गम रास्ते पर। गुड मॉर्निंग पीपल, अभी हम थे ताबो में, हम रुके हुए थे बिट्टू भैया के पास। आपको होमस्टे का नंबर मैं शेयर करूंगा, और बहुत ही बढ़िया सर्विस है भैया की, और रेट भी बहुत रीजनेबल है। तो एक बार आएँ और यहाँ जाकर जरूर अपना एक्सपीरियंस करें। और हम निकल रहे हैं काजा की तरफ। काजा तकरीबन है 50 किलोमीटर, 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। ये है ताबो ब्रिज। माय गॉड, बहुत ठंड हो रही है, और आई गेस टाइम हो रहा है 8:30। लड़ा किया था भैया। माय गॉड, भूल गई थी भाई, और शूटिंग शो नहीं रहा, ऊपर से बहुत पत्थर गिरते हैं ये भाई, तो बिल्कुल जगह ही नहीं दे रहा है। ऐसे चलेंगे तो कब पहुंचेंगे। कैसे कैसे चलेगा भैया, थोड़ा सा साइड दो। ओह फक, अरे पत्थर, वाओ यार, ये बड़ी खतरनाक चीज है बजरी। जरा सा ब्रेक लगा नहीं किया आप, नीचे सीधा फॉल डाउन हो जाओगे 2 मिनट में। इसलिए यहाँ ब्रेक मारोगे तो भी गिरोगे, नहीं मारोगे तो भी गिरोगे। तो इस मारे यहाँ पे थोड़ा आराम आराम से चलने का है, ज्यादा जल्दीबाजी करने का कोई वो नहीं है। और छाया आ गई, ठंडी लगेगी अब। चलो ये अच्छा काम कर रखा है, तो जाली बांध रखी है, इससे होता क्या है लैंडस्लाइड के टाइम पे पत्थर एटलीस्ट रुक जाते हैं, लैंडस्लाइड नहीं होती। ओ नहीं 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 नहीं, बहुत आराम से चलना है, बहुत आराम से। बहुत ही खतरनाक रास्ता है। तो इसलिए तो बोलते हैं आप चल रहे हैं वर्ल्ड के सबसे दुर्गम रास्ते पर। ये देखो पानी जमा पड़ा है, जमा पड़ा है। सब जमा पड़ा है इधर, बर्फ, ब्लैक आइस।
हो, फुल ऑफ रोडिंग। और ये पूरा ग्लेशियर वाटर है और सामने का व्यू अल्टीमेट। ओह माय गॉड, फुल जम हुए बड़ी बर्फ। शुक्र है अभी पूरा पानी जमा पड़ा है, नहीं तो यही रहेगा तो हालत खराब कर देगा। फंस गई भाई। फंस गई यार। खतरनाक। शुक्र निकले। बाइक ही फंस गई थी वे। ये है स्पीति मेरी जान, वो भी विंटर। Oh man. लो देख लो, विंटर स्पीति, खतरनाक वाला पानी वानी पड़ा हुआ इधर और स्लिपरी हो रही है बहुत गंदी तरह से बाइक। टोटली, और ये ब्लैक आइस। पानी भी पूरा जमा पड़ा है। बर्फ चली गई। हालत खराब, बहुत ठंड। और ये लैंडस्लाइड हो गया, पत्थर नीचे गिर गया। बहुत ठंड लग रही है यार,
बहुत ठंड, बहुत ठंड बहुत ज्यादा है यार। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बहुत ठंड लगती जा रही है। और ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा फ्रोजन हो रखा है, एरिया पूरा फ्रोजन हो रखा है। ओह फक मैन, ये पूरा फ्रोजन हो रखा है तकरीबन। और ये पूरा ग्लेशियर है, एक्चुअली ये पूरी झील है, ये पूरी फ्रोजन हो रखी है। नीचे देख सकते हो आप, ओह मैन ये पूरी झील फ्रोजन हो गई है, पूरा पानी फ्रोजन। ये दो चार दिन पहले ही यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, वो करके ये ऐसा हो गया। वो देखो वो कुछ पानी बह भी रहा है कुछ पोर्शन में से। और ये सतलुज रिवर है जो यहाँ से बहती है, और एक चाइना की रिवर आती है जो आगे जाके मिलती है इसमें। हाँ भाई पूरा पानी फ्रोजन हो रखा है, ये तो देख रहे हो ये खतरनाक वाला सीन हो गया है। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। काजा 22 किलोमीटर। तो यहीं पे हम लोग लेने वाले हैं अब कुछ ड्रोन शॉट्स, सतलुज रिवर के साइड में ही थोड़ा सा आगे जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा ठीक ठाक नज़ारा लगता है वहीं पे चल के लेते हैं ड्रोन शॉट। और आप लोग देखो ड्रोन शॉट और बताओ कैसे लगे आप लोगों को भी ड्रोन शॉट्स। बड़ी मुश्किल से निकाले हैं यार इतनी ठंड में ड्रोन शॉट्स, तो प्लीज़ देखो इन्हें और हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे लगे आपको ड्रोन शॉट्स। सो ये है विंटर स्पीति, टोटली फ्रोजन। हाँ अंदर घुस जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली स्नोफॉल हुआ है इधर, तो स्नो पर चलने की भी मैं सोची होता घुस जाएगा। मैं बोल रहा हूँ तेरे को। काजा पहुंच चुके हैं और काजा पूरा बंद लग रहा है, से ढूंढ रहे हैं कहीं कुछ मिल जाए, इतनी स्नो पड़ी हुई है इधर कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है। इसको पूछो ना आंटी इधर कहीं पे कोई होटल है क्या, होटल है होम से। चलो ढूंढते चलो, इधर तो कुछ मिला नहीं।
अबे भाई बहुत गहरा है, बहुत आओ। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड।